बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज हम आपके लिए एक आश्चर्यजनक सत्य घटना लेकर आए हैं। यह सत्य घटना है शिवजी के सच्चे भक्त थिम्मन की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि थिम्मन शिवलिंग पर मांस चढ़ाया करते थे। ऐसा करने से महादेव ने उनके साथ क्या किया, आइए जानते हैं। यह सत्य घटना एक नयनार की है। नयनार का मतलब शिव भक्त होता है। ऐसे कुल 63 नयनार यानी के शिव भक्त हुए हैं, जिनके साथ हुए चमत्कारों की घटनाओं को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका भगवान शिव पर विश्वास और भी बढ़ जाएगा। आज की सत्य घटना ऐसे ही एक नयनार की है। अगर आप बाकी के 63 नयनारों की सत्य घटना देखना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक मशहूर धनुर्धर थिम्मन एक दिन शिकार के लिए गए। जंगल में उन्हें एक मंदिर मिला जिसमें एक शिवलिंग था। थिम्मन के मन में शिवजी के लिए एक गहरा प्रेम भर गया और उन्होंने वहां कुछ अर्पण करना चाहा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे और किस विधि से ये काम करें और क्या अर्पण करें। उन्होंने भोलेपन में खुद के पास रखा हुआ मांस, जो वे शिकार करके लाए थे, शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर चले गए। शिवजी ने उनका चढ़ावा स्वीकार कर लिया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो उस मंदिर से कहीं दूर रहता था। हालांकि वह शिवलिंग का भक्त था, लेकिन वह रोजाना इतनी दूर मंदिर तक आ नहीं सकता था, इसलिए वह सिर्फ 15 दिनों में एक बार आता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो लिंग के बगल में मांस पड़ा देखकर वह भौचक्का रह गया। यह सोचते हुए कि ये किसी जानवर का काम होगा, उसने मंदिर की सफाई कर दी और अपनी पूजा की और चला गया। अगले दिन थिम्मन और मांस अर्पण करने के लिए लेकर आए। उन्हें किसी पूजा पाठ की जानकारी नहीं थी, इसलिए वो बैठकर शिवजी से अपने दिल की बातें करने लगे। वो मांस चढ़ाने के लिए रोज आने लगे। एक दिन उन्हें लगा कि लिंग की सफाई जरूरी है, लेकिन उनके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था, इसलिए वह झरने तक गए और अपने मुंह में पानी भर कर लाए और वही पानी लिंग पर डाल दिया। जब ब्राह्मण वापस मंदिर आया तो मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर घृणा से भर गया। वह जानता था कि ऐसा कोई जानवर नहीं कर सकता, ये कोई इंसान ही कर सकता था। उसने मंदिर साफ किया, लिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े, फिर पूजा पाठ करके चला गया, लेकिन हर बार आने पर उसे लिंग उसी अशुद्ध अवस्था में मिलता। एक दिन उसने आंसुओं से भरकर शिवजी से पूछा, हे देवों के देव, आप अपना इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। महादेव भक्त को रोता हुआ ज्यादा देर नहीं देख पाए और कहा, जिसे तुम अपमान समझते हो वह एक दूसरे भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और वह जो भी अर्पित करता है उसे स्वीकार करता हूँ। पंडित ने रोते हुए प्रश्न किया कि हे देवों के देव महादेव, मैं आपकी पूजा करने के लिए इस भयानक जंगल में आता हूँ और आपकी पूजा अर्चना करता हूँ, तब भी आप उस भक्ति से बंधे हुए हैं जो आपको अपवित्र कर देता है। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें इसका जवाब पाने के लिए उसकी भक्ति भाव को समझना होगा। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो पास में कहीं जाकर छिप जाओ और देखो, वह आने ही वाला है। ब्राह्मण एक झाड़ी के पीछे छिप गया। थिम्मन मांस और पानी के साथ आया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शिव हमेशा की तरह उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे। वह सोचने लगा कि उसने कौन सा पाप कर दिया है। उसने शिवलिंग को करीब से देखा तो पाया कि शिवलिंग की दाहिनी आंख से कुछ रिस रहा है। उसने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन उससे और रक्त आने लगा। आखिरकार उसने अपनी आंख देने का फैसला किया। उसने अपना चाकू निकाला, अपनी दाहिनी आंख निकाली और उसे लिंग पर रख दिया। रक्त टपकना बंद हो गया और थिम्मन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि लिंग की बाईं आंख से भी रक्त निकल रहा है। उसने तत्काल अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू निकाल लिया, लेकिन फिर उसे लगा कि वह देख नहीं पाएगा कि उस आंख को शिवलिंग पर कहां लगाना है। तो उसने शिवलिंग की दूसरी आंख पर अपना पैर रखा ताकि दूसरी आंख निकालने के बाद वो उस आंख को शिवलिंग पर सही जगह लगा पाए। और उसने शिवलिंग पर अपना पैर रखा और अपनी आंख निकाल ली। उसकी अपार भक्ति को देखते हुए शिवजी ने थिम्मन को दर्शन दिए। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और वह शिव के आगे दंडवत हो गया। उसे कन्नप्पा नयनार के नाम से जाना गया। कन्ना यानी आंखें अर्पित करने वाला और नयनार यानी शिव भक्त। पास ही में छिपा ब्राह्मण जो यह सब देख रहा था वह जोर जोर से रोने लगा और उसने महादेव के सामने दंडवत होकर क्षमा मांगी। हे प्रभु, अब मैं सब समझ गया हूँ। जब मैं आपकी पूजा करने आता था तो सिर्फ फल की इच्छा रखता था और आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी उसी वजह से रह जाती थी, और थिम्मन को यही तरीका सही लगा आपको खुश करने का, तो वो उसने पूरे मन से किया। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। महादेव ने इस घटना के माध्यम से संसार को एक शिक्षा प्रदान की है जो हम सभी को समझनी चाहिए।
कि भक्ति के अंदर भक्ति भाव सबसे जरूरी है, ना कि दिखावा या फल का लालच। शिवजी भोलेनाथ इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वे अपने भक्त की भक्ति सरल से सरल माध्यम से भी स्वीकार कर लेते हैं, बस उसकी प्रार्थना शुद्ध और निस्वार्थ होनी चाहिए। तो बोलो ओम नमः शिवाय।